मैं 13 मई को सुबह 9 बजे के करीब अरविंद केजरीवाल जी से मिलने उनके आवास पे गई थी। मुझे वहाँ पे स्टाफ ने ड्राइंग रूम में बिठवाया और बताया कि अरविंद जी घर पे हैं और वो मुझसे मिलने आ रहे हैं। इतने में विभव कुमार जो कि उनके पीएस थे वो वहाँ पे धनधनाते हुए आते हैं और मैंने उनको बोला भी कि भाई क्या हो गया, मतलब अरविंद जी आ रहे हैं, क्या हो क्या गया। तो इतना मैंने बोला और इतने में ही उन्होंने हाथ छोड़ दिया। उन्होंने मुझे 7-8 थप्पड़ पूरी जोर से मारे। स्वाति मालेवाल, ये नाम कई दिनों से चर्चा में है और इसका कारण है स्वाति मालेवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पर्सनल असिस्टेंट विभव कुमार के ऊपर फिजिकल असॉल्ट के आरोप लगाए हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम ओशन पांडे है और आज हम बात कर रहे हैं स्वाति मालेवाल असॉल्ट केस के बारे में। इस घटना के आपको दो पहलू दिखाई दे रहे होंगे। पहला कि ये मामला महज एक पॉलिटिकल टेंशन की ओर इशारा करता है जो स्वाति मालेवाल और आप पार्टी के बीच लंबे समय से चला आ रहा है, और दूसरा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के बीच में स्वाति मालेवाल जैसे भारत की बेटियों के साथ होने वाले गंभीर अपराध क्या हमें नए भारत की एक तस्वीर दिखलाते हैं। स्वाति मालेवाल जिनके साथ ये तथाकथित फिजिकल असॉल्ट हुआ है वो एक जानी मानी पब्लिक फिगर हैं who had served as the chairperson of Delhi Commission for Women from 2015 to 2024 and now she is also a member of parliament from our party। स्वाति मालेवाल ने विभव कुमार के ऊपर ये आरोप लगाए कि 13 मई को जब वो केजरीवाल से मिलने उनके रेजिडेंशियल हाउस पर गई तो विभव कुमार ने उनके साथ मिसबिहेव किया एंड इवन ही स्लैप्ड हर एंड आल्सो किक्ड हर। इस असॉल्ट केस में विभव कुमार को दिल्ली पुलिस द्वारा 5 दिनों के लिए पुलिस कस्टडी में गिरफ्तार किया गया है। इस अरेस्ट के अगेंस्ट बेल के गुहार लगाते हुए विभव कुमार अप्रोच टू दिल्ली हाई कोर्ट वेयर द हाई कोर्ट डिनाइड हिज बेल। ये मामला और भी ज्यादा ट्रिगर्ड हो गया जब एक फेमस यूट्यूबर ध्रुव राठी का नाम इस मामले से जुड़ा। इस इंसिडेंट के 3 दिन बाद स्वाति ने पुलिस में शिकायत करी। कंप्लेन में बहुत गंभीर आरोप लगाए गए जैसे कि इन्हें लातें मारी गई थी। इन्होंने लिखा ये एक्सट्रीम पेन में थी, लेकिन बाद में जब इस इंसिडेंट का एक वीडियो सामने आया तो उसमें कुछ और ही दिखा। इस वीडियो में स्वाति बैठी हुई थी और विभव कुमार और सिक्योरिटी स्टाफ के साथ वो खुद अभद्र भाषा में बात करती हुई दिख रही थी। आज मैं इन लोगों को सबको बताऊं और तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी अगर मेरे को टच करना। स्वाति ने ध्रुव राठी को ब्लेम करते हुए ये कहा कि उनके इस मामले की एक तरफा कवरेज की वजह से उनको डेथ और रेप की धमकियां दी जा रही। हालांकि ध्रुव राठी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए ये कहा कि ये उनको चुप कराने की एक साजिश है। अब आप इस मामले को कैसे देखते हैं, एक महिला के साथ हुए गंभीर अपराध के तौर पर या फिर ये सियासी खेल का एक उदाहरण मात्र है? शेयर योर व्यूज ऑन सच क्रूशियल टॉपिक and for these kinds of coverage on the trending issues follow electro duration। Thank you।